श्री पूरण साहेब जी पारक सिद्धांत में सदगुरु कबीर के बाद जो प्रतिभाशाली संत विद्वान और लेखक हुए हैं उनमें श्री पूरण साहेब जी का स्थान अन्यतम है। उनका जन्म वर्तमान में जो महाराष्ट्र है उसमें अलग अलग क्षेत्र है, खानदेश जलगांव जिला एक गांव में हुआ था, बम्भोरी नामक गांव में। बचपन का नाम पूरण सिंह था, क्षत्रिय परिवार में प्रायः सिंह लगाया ही जाता है। उनके बड़े भाई का नाम गुलाब सिंह और बहन का नाम सोनाबाई। श्री पूरण साहेब पूरण सिंह कहना चाहिए पहले, बचपन से ही शुरुआत से ही थोड़ी अवस्था में साधु हो गए थे। 32 साल में तो शरीर छूट गया था उनका। उनके बड़े भाई गुलाब सिंह कुछ काल तक गृहस्थ आश्रम में रहे, फिर वे साधु हो गए। बहन सोनाबाई भी साधना से ही रहती थी। पूरण सिंह सदगुरु की खोज करते हुए रीमा शहर में आए और वहां आकर श्री सुखलाल साहब जी की शरण में रहने लगे। उनके पास रह करके अध्ययन मनन किए, फिर श्री सुखलाल साहब जी द्वारा ही उनका साधु वेश हुआ और पूरण सिंह का नाम बदल करके पूरणदास कर दिया गया। हम लोग से सदगुरु से पूरण साहब कहते हैं। श्री पूरण साहब प्रतिभा के धनी विद्वान, तेज तर्रार और अखंड वैराग्यवान, सब कुछ उनका तेज रहा है। कहते हैं कि वे बिहार प्रदेश में अनेक आश्रमों में भ्रमण किए थे। जब बिहार गए तो होगा तो उत्तर प्रदेश में भी भ्रमण किया होगा और उसी भ्रमण काल के दौरान में कबीर आश्रम धनौती में गए थे। बीजक की त्रिजी टीका को देखने के लिए कहा जाता है कि बीजक की त्रिजी नाम की एक टीका लिखी गई थी। त्रिपुरम साहब चाहते थे कि मैं भी बीजक की टीका लिखूं, उसके पहले देखूं कि त्रिजी टीका में क्या लिखा गया है। लेकिन उनको या तो देखने का अवसर नहीं मिला या उनको दिखाया नहीं गया। जब वो नहीं देख पाए, त्रिजी टीका को पढ़ने का अवसर नहीं मिला, तब लौटकर उन्होंने अपनी त्रिज्या टीका
लिखना शुरू किया। त्रिज्या टीका का बहुत सारा अंश कबीर मंदिर रीवा में रहकर उन्होंने लिखा, उनका गुरु स्थान था। आज जहां पर सनात साहब रहते हैं बहुत सारा अंश वहां जब लिखा तो कहते हैं रीवा नरेश विश्वनाथ सिजुदेव को पता चला कि पूरन साहब बीजक की टीका लिख रहे हैं, तो कबीर मंदिर रीवा में आए। कबीर मंदिर रीवा के प्रति रीवा राजघराने में बहुत सम्मान था। वहां से उनको आश्रम को मंदिर को आर्थिक सहायता भी मिलती थी। आए श्री पूरन साहब ने जितना लिखा था उतना दिखाया गया, कुछ उन्होंने पढ़ा पसंद नहीं आया, क्योंकि श्री पूरन साहब के विचार खरे विचार तार्किक जीवाद की व्याख्या और रीवा नरेश साकेत लोकवासी राम के उपासक और साकेत लोकवासी राम के उपासक को जीवादी टीका पसंद कैसे आए। तो कहते हैं पूरन साहब से और रीवा नरेश विश्वनाथ से जुदे से कुछ विवाद हो गया। श्री पूरन साहब तेतर रात तो थे ही, किसी से दबने वाले कहां। विवाद हो गया तो रीवा नरेश रुष्ट होकर के चले गए। तो उनसे कहा गया पूरन साहब से, उनके सुखलाल साहब ने कहा कि तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि राजा है, राजा खुद हो जब हो जाए तो पता नहीं क्या क्या अर्पित करने लग जाए, और नाखुद हो जाए तो पता नहीं क्या क्या कर डाले। राजा खुद हो जाए तो बहुत कुछ दे सकता है, और जो नाखुद हो जाए तो जो कुछ दिया हो तो ले लेगा, उसके अलावा भी ले लेगा। और तो त्रिपुरम साहब ने भी सोचा कि यहां रहना ठीक नहीं है, तब फिर वहां से निकल गए बुरहानपुर शहर, ताप्ती नदी किनारे पहुंचे, एक कुटी बना कर रहे वैसे ही, और वहीं पर रह करके बीजक त्रिज्या टीका का अवशेष अंत लिखा विक्रम संवत 1894 में कार्तिक पूर्णिमा को, और तीसरे दिन अघान कृष्ण पक्ष तृतीया को उनका श्रांत हो गया। निश्चित है त्रिपुरम साहब अधिक दिन तक जीवित रहते तो पारस सिद्धांत को उनके द्वारा बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अल्प आयु में 32 साल को मन से छूट गया। उनकी 4 पुस्तकें हैं, बीजक की त्रिज्या टीका प्रसिद्ध है ही, निर्णय सार, वैराग शतक और शब्दावली। ज्यादा प्रसिद्ध टीका उनकी है बीजक की टीका त्रिज्या। पहले लोग ये मानते ही थे बीजक टीका मतलब त्रिज्या को ही, आज भी बहुत लोग ये समझते हैं, बहुत प्रसिद्ध टीका उनकी। विचार उनके चाहे जो हो, भाषा शैली चाहे जो हो, टीका बड़ी प्रसिद्ध। बीजक की टीका जब लिखना शुरू किया श्री पूरन साहब ने तो दोहा चौपाई में लिखना शुरू किया। बीजक तो वैसे पद्य में है, पूरे रमैनी प्रकरण की टीका उन्होंने दोहा चौपाई पद्य में ही लिखी, और शब्द प्रकरण का पहला शब्द उसकी टीका भी
पद में ही है। तो कहा जाता है कि श्री सुखलाल साहब ने कहा कि तुम बीजक की टीका लिख रहे हो, बीजक वैसे गुड़ है, पद्य में है, तुम भी पद्य में लिख रहे हो तो लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए गद्य में लिखो। तब उन्होंने गद्य में लिखना प्रारंभ किया और बीजक का टीका लिखना उनका पहला प्रयास था। तो जैसे उनको परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ था, जैसे शैली थी, जैसे समय मानसिकता थी, उस ढंग से उन्होंने लिखा। निश्चित है आज कहा जा सकता है उनकी टीका के जगह ऐसा स्थल है जो पद्य के अनुसार से अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी है उसमें खरा पारक सिद्धांत और ओजपूर्ण टीका है। श्री पूरण साहब का शरीर रहता तो निश्चित अपनी टीका पर विचार करते हैं। हर लिखा जैसे गुरुदेव जी ने टीका लिखी थी, बीजक की टीका पहले, कोई 32-33 साल की उम्र में लिखी थी। गुरुदेव शरीर रहा तो उन्होंने विचारा, टीका को पूरा बदल दिया। हर लेखक का विचार शुरू में ही एकदम परिपक्व नहीं हो जाता, कोई भी लेखक हो, संत हो या जो भी हो, अपने परंपरा से वे प्रभावित रहते हैं, परंपरा का प्रभाव उन पर बहुत रहता है। धीरे धीरे अध्ययन बढ़ता है, मनन बढ़ता है, चिंतन बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, देखने सुनने को मिलता है, तब उसमें काफी कुछ परिपक्वता भी आती है और लगता है कि हमारे विचारों में काफी कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो संशोध लेते हैं। कल एक कुछ पढ़ रहा था मैं, एक विदेशी लेखक हैं, उनके पुस्तक है, नाम ज्ञान नहीं रहा है, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक हुई, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक। तो एक व्यक्ति उनके पास गया और कहा, उनसे पूछा कि आपकी पुस्तक इतनी प्रसिद्ध हुई, इसका कारण क्या है कि इतनी आपकी पुस्तक विश्व प्रसिद्ध हो गई। तो उस लेखक ने उसे कुछ कहा नहीं, एक अटैची निकाली, फोल का दिखलाया, तो उनके पुस्तक की पहली प्रतिलिपि, पहली बार जब लिखा था तो उसकी कापी उसमें थी, उसको बंद किया, दूसरी अटैची निकाला, उसमें उसको संशोधित कापी रही, वैसे 21 बार लिखा था उन्होंने अपनी पुस्तक को, और 21 बार जब लिखा तो 22वें बार में जाकर के उनकी पुस्तक, तो मतलब स्वयं उन्होंने अपनी एक पुस्तक का 21 बार संशोधन किया। तब वो पुस्तक भी तो प्रसिद्ध हुई। ऐसे हर लेखक के बारे में तो श्री पूरन साहब के जीवन रहता तो और काफी कुछ पर विचार करते और टीका और बहुत बढ़िया बनेगा, अभी भी बढ़िया है, ऐसा नहीं घटिया है। बहुत लोग उसको पढ़ पढ़ करके अपने विचारों को बदल डाले हैं। भाषा शैली तो अलग अलग होती है, अब आज 1.5 साल के पहले की हिंदी आज की हिंदी में अंतर तो आएगा ही आएगा। अभी भी हिंदी में देखो, बनारस तरफ की हिंदी, यहाँ से पूरा तरह चले जाओ वहां हिंदी अलग, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हिंदी में हिंदी पढ़ो तो अलग। यहाँ की हिंदी अलग है और थोड़ा सा चले जाओ यहाँ से दक्षिण, वहां की हिंदी अलग हो जाएगी। भाषा तो बदलती रहती है, भाषा शैली के आधार पर किसी के विचार को निकाल थोड़े जा सकता है।
तो त्रिपुरन साहब सम्मत 1894 की कार्तिक पूर्णिमा को बीजक टीका लिख करके समाप्त किए और अगहन तृतीया कृष्ण पक्ष को उनका शरीर छूट गया। काफी पड़ी रही तो कहते हैं कि विश्वनाथ सिंह ने अपने के एक पंडित को भेजकर बुरहानपुर से श्री पुराण साहेब की बीजक टीका की प्रतिलिपि करवा करके मंगवाया और फिर उन्होंने बीजक की टीका लिखना शुरू किया। तो और यह हुआ कि बीजक की टीका जब लिखा तो विश्वनाथ सिंह की टीका पहले छप गई, श्री पूरन साहेब की टीका बाद में छपी। तो लोग ये मानने लग गए कि विश्वनाथ सिंह ने बीजक की टीका पहले लिखी है और पूरन साहब ने बाद में लिखी, लेकिन है लिखा है श्री पूरन साहब ने पहले, उनकी टीका छपी बाद में। विश्वनाथ सिंह ने टीका लिखी बाद में, छपी पहले। श्री पूरन साहब की टीका के अनेक उद्धरण विश्वनाथ सिंह ने अपनी बीजक टीका में दिया है। और ये लिखा है कि ऐसा कि यह पूरन दास को अर्थ है, साखी के जगह लिखा हुआ है जी बिना जी बांचे नहीं, जी को जी आधार, जी दया कर पालिए पंडित करो विचार। इसकी श्री पूरन साहब ने जो टीका लिखी है उसको विश्वनाथ सिंह ने अपनी टीका में ज्यों का त्यों उतारा है और अंतिम में लिखा है कि यह पूरन दास को अर्थ है। इस जीव तो बिना जीव बिना आधार के नहीं बचे हैं, यह पूरन दासो लिखियो है। और भी कई जगह है, कई साखियों की टीका उन्होंने उद्धृत की है, लेकिन विश्वनाथ सिंह की टीका छपी तो अनेक बार लेकिन लोगों को ग्राह्य नहीं हुई, विद्वानों में सीमित रह गई। श्री पूरन साहब की टीका विद्वानों के साथ साथ आम जनता को ग्राह्य हुई। और भारत के किसी कोने में जाओ जहां तक लोग हिंदी समझते हैं, त्रिजक टीका की चर्चा करने वाले मिलेंगे आप। बीजक के आपको भाष नहीं दिया गया है, बीजक सब जानते ही हैं। श्री पूरन साहब का दूसरा मुख्य ग्रंथ है निर्णय सार। इसमें गुरु और शिष्य का संवाद है, शिष्य का प्रश्न, गुरु का उत्तर, क्रमशः ब्रह्मवाद का निरसन करते हुए पारा सिद्धांत पर जोर दिया, ज्ञान अज्ञान विज्ञान इनका स्वरूप बताया गया है और बाद में फिर पारक विचार को दृढ़ता पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। शिष्य का प्रश्न है, पहले तो उन्होंने वंदना की है, अब वंदना करने के बाद शिष्य से प्रश्न करवाया है, कौन जमा है जगत मझारा, जापर हो सकल व्यापारा। ये गुरुदेव आप ये बताए कि वो मूल धन कौन है, संसार में सत्य किसका है, सत्य क्या है जिसके आधार पर ये नाना मत पंथ संप्रदाय चल रहे हैं, ये सारा ज्ञान विज्ञान का व्यापार चल रहा है, काल कर्म कर्ता सांख्य योग विधान, ये सब मतों का निर्धारण करने वाला कौन है। गुरु ने उत्तर तेरे कहा है, जीव जमा एक मुख्य भाई, जा पर सबे खर्च ठहराई। हे शिष्य, जीव जमा धन है, सत्य अविनाशी है, जीव ही ईश्वर ब्रह्म सांख्य योग वेद शास्त्र सबका कल्पक संस्थापक, जीव सर्वोपरि।
तो जब गुरु ने कहा कि जीव स्वरूप परी है, तो जीव क्या है फिर? जीव का स्वरूप क्या है? ये पांच तत्व जीव हैं कि जो तीन गुण सत्र स्तम है, ये तीनों मिलाकर के जीव है। वीर्य रक्त तेज श्वास शून्य, इनमें से जीव कौन है? जीव का स्वरूप क्या है? आप हमें समझा करके बताएं। तो गुरु कहते हैं, बेटा जिनके तुम नाम लिए हो, पांच तत्व तीन गुण वीर्य रक्त श्वास तेज शून्य, ये सब तो जड़ है। और जड़ जड़ को कैसे जानेंगे? जानने वाला तो चेतन है। जितने जड़ पदार्थ है परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील परिवर्तनशीलता को जानेगा कैसे? परिवर्तनशीलता के बीच में रहने वाला कोई एक ऐसा तत्व होगा जो अपरिवर्तित है, जो स्वयं परिवर्तित नहीं होता, तब वो परिवर्तनशीलता को जानेगा। ये नियम है। जो स्वयं परिवर्तित हो रहा है वो परिवर्तनशीलता को नहीं जान सकता। अपरिवर्तित जो रहेगा, एक रस त्रिकाला बाधित, वो परिवर्तनशीलता को समझ सकेगा। तो जड़ तो परिवर्तनशील है और बाकी बहुत सारी चीजें बनती है बिगड़ती है। जीव अविनाशी है, वही जीव ही पांचों तत्वों का जानने वाला है, वो एक निर्धारण करने वाला है, तीन गुणों की व्याख्या करने वाला, जानने वाला, ग्रहण करने वाला, ये जीव है। वीर रक्त तेज तम श्वास शून्य, इनको जानने वाला भी जीव है। जीव यदि शून्य होता तो शून्य को जानता है? शून्य शून्य को नहीं जान सकता। जो स्वयं शून्य है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वह अस्तित्ववान को जानेगा कैसे? ना अस्तित्ववान को जानेगा, जिसका अस्तित्व नहीं उसको भी नहीं जानेगा। सत्तावान जो होगा शून्य को वो जानेगा। सत्ता और असत्ता को जानने वाला स्वयं असत्ता में नहीं जाएगा। सत्ता वही है। जीव यदि तत्व होता, मिट्टी पानी हवा आकाश, तो इनकी व्याख्या कैसे करता? क्योंकि मिट्टी पानी हवा आकाश जड़ है, तत्व तत्व की व्याख्या करेगा नहीं, वो उनसे अलग होगा। इसलिए जीव कैसा है, क्या है? जीव ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान मात्र जान ही मात्र जीव है सोई, जानते अधिक और नहीं होई। जीव केवल जान मात्र ज्ञान स्वरूप है और उससे बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। यह जगत पंचतत्वमय है, इसको जानने वाले से पृथक अविनाशी जीव है। जीव जो कल्पना करता है वह कल्पना कहलाती है। जो कल्पता है जीव, वह कल्पना कहलाती है। जो मानता है जीव, मानंदी कहलाती है। पांच तत्व यह जगत सब जाने सो जीव जान, कल्पे सो ये कल्पना, माने सो अनुमान। जब गुरु ने बताया कि जीव सर्वोपरि है, शुद्ध बुद्ध है, तो चित्त ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप कहते हैं कि ये जीव सर्वोपरि है, इससे बड़ा कोई नहीं है, अभी जान मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, तब ये बंधनों में क्यों पड़ा हुआ है? ये तो जानने का ज्ञान धर्म का लक्षण नहीं है कि अपने आप को बंधन में डाल दे। ज्ञान मात्र है, बंधन में पड़ा क्यों? और जी यदि अविनाशी है, अखंड है, तो अविनाशी अखंड में बंधन होगा नहीं, होना भी चाहिए। तो आप ये बताओ कि जीव किसी के द्वारा निर्मित है या स्वतः अपने आप अनिर्मित है? यदि जीव निर्मित है, बना है, तो जीव के मां बाप कौन?
और स्वतः है जीव यदि अपने आप है तो बंधन में आया क्यों, बंधन में पड़ा कैसे? गुरु उत्तर देते हैं कि जीव के कोई माता पिता नहीं है, यह अपने आप है, अनादि है, अविनाशी है, इसके ऊपर कोई दूसरा कर्ता नहीं है, किंतु यही सबका ज्ञाता मानता कल्पक बोधा अनुमंता सब कुछ यही है, यही ईश्वर की कल्पना करता है, यही ब्रह्म की कल्पना करता है, यही भूत भौतिक पदार्थों में कल्पना करके मान्यता बना बना कर करके अहंता ममता करता है, और अहंता ममता करके ये सब बन जाता है। जीव अपने ही स्वरूप की भूल से या अपने भूल जनित कर्मों के कारण से बंधा हुआ है। कैसे बंधा है? जो सोना लड़नी गई हो किट कुसारी मांज, ऐसे गति या जीव की भय दिवस ते सांझ। जैसे सुग्गा नलिका यंत्र में बैठता है लाल मिर्ची खाने के लोभ से बैठता है, चरखी घूम जाती है, घूमती है तो चरखी की डंडी को सुग्गा अपने पंजों से खूब मजबूती से पकड़ लेता है और समझ लेता है कि मैं पकड़ लिया गया, पकड़ा खुद स्वयं है, किसी और ने थोड़े पकड़ा है, स्वयं पकड़ाया हूं। और कीट कुसियारी मांझ, जैसे रेशम का कीड़ा स्वयं अपने शरीर से स्वयं वो रेशा निकालता, कोसा निकालता है, डिब्बे बनाता है, बनाते 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 बना करके उसी को बंद कर लेता है, उसी में सो जाता है और मारा जाता है। तो रेशम का कीड़ा अपने कोसा में अपने ममता बस फंस जाता है, वैसे ही ऐसे तैसे गति है जीव की भई दिवस ते सांझ। इसी प्रकार जीव अपने मोहबल स्वयं फंस गया है और स्वरूपतः ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी जैसा बन गया है। तो शिष्य कहता है गुरुदेव ये बात तो समझ में नहीं आई कि शुद्ध बुद्ध जीव अपने आप को भूल कैसे गया और भूल करके माया में फंसा कैसे। जीव जो शुरू में मोह माया में पड़ा तो उसके पास कौन सी देह थी? आखिर मोह करेगा तो कोई देह तो होगी, तब तो मोह करेगा, अपना कुछ मानेगा तो देह में रहेगा जीव, तब तो मानेगा। तो जीव की पहली देह कौन देह थी जिसकी परछाई में भूल करके वह भ्रमवत बंधन में पड़ गया है? गुरु कहते हैं बेटा जीव की पहली देह हंस देह थी। इस हंस देह का वर्णन बीजक त्रिज्या की पहली टीका जय गरम मुक्ता हता में विस्तार से किया गया है। बस सार तो ये है, जैसे मिट्टी पानी आग हवा आकाश इन पंच तत्वों से हमारी देह बनती है, एक कच्ची देह है, ऐसे ही क्षमा दया सत्य धैर्य और विचार ये पांच पक्के तत्व हैं, इनकी हंस देह बनती है। इसी हंस देह जीवित थी और इसी का ब्रह्मांड था, इसी का पिंड, इसी का ब्रह्मांड, और इसके हर्षातिरेक में पढ़कर मतलब जब सद्गुण आता है दया क्षमा सत्य फिर विवेक विचार आदि सद्गुण जब आते हैं और मन जब निर्मल होता है तो आनंद आता है, प्रसन्नता का अनुभव होता है, उस आनंद में सूक्ष्म अहंता हो जाती है, मेरे मैं बड़ा सद्गुणी, मेरा जीवन निर्मल, ये सब दुनिया वाले लोग दुर्गुण, बस यही बंधन, फिर सद्गुण फिर बंधन का कारण बन गए। तो गुरु कहते हैं कि इसी घंटा तिलेक में पढ़ करके जीव भूल गया, फिर जो इनकी पक्की देह थी दया क्षमा सत्य धैर्य विचार के, जब उसके हंस तिलेक में भूला तो कच्ची देह बन गई,
और कच्ची देह बन गई तो काम क्रोध लोभ मोह से जी संयुक्त तो हो गया, और फिर तो बंधन में उलझ गया। यहां कुछ वर्णन ऐसा किया गया है कि जैसे मानो जी पहले मुक्त रहा, क्षमा दया सत्य धैर्य और विचार इनके पांच तत्वों की पक्की देह, उसमें हर्ष हुआ, अहंकार हुआ, भूला तो कच्ची देह में आ गया, मिट्टी पानी आग हवा से बनी हुई देह में। ये कहने का तरीका है, और वर्णन ऐसा लगता है कि मानो जी पहले मुक्त रहा। पहली बात यह समझना होगा, क्षमा दया सत्य धैर्य और विचार इनका आचरण कहां होगा? शरीर में होगा ना, बिना शरीर के तो क्षमा दया की आवश्यकता क्या पड़ेगी? कुल मिलाकर के बात इतनी ही है। तरीका वर्णन करने का ऐसा है कि एकाएक जो भी पढ़ेगा वो भ्रम में पढ़ेगा, लेकिन गंभीरता पूर्वक जब पढ़ेगा पता चलेगा कि जीव अनादि से बंधन में पड़ा हुआ है। श्री पुराण साहब ने निम्न सार में भी लिखा है, बीजक टीका त्रिज्या में, और श्री राम रहस्य साहब की चर्चा कराए हैं हम, श्री राम रहस्य साहब ने भी ऐसा वर्णन किया है, पांच तत्व और उनकी 25 प्रकृतियां, इनकी हंसदेह, हंसदेह कुछ है नहीं, वो सगुणों की भूमिका है। तो जीव अनादिकाल से बंधन में पड़ा हुआ है, क्योंकि शरीर द्वारा ही सद्गुणों का आचरण होता है, उनमें फिर अहंकार कर लो तो सद्गुण भटकने का कारण बन जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं हे शिष्य, ये जो तत्त्वमसि है, तत्त्वमसि, ये वैदिक उपदेश है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ने अपने पुत्र चेत केतु को तत्त्वमसि को उपदेश दिया है, तो ये तत्त्वमसि ये वैदिक उपदेश हैं, इनकी मानंदी में पड़ भूल करके ही जीव बंधनों में पड़ा हुआ है। तो सिद्ध कहता है, गुरुदेव मैं तो पहले समझ रखा था कि जीव के ऊपर कोई अलग करता है, कर्म फल दाता है, सुख दुख दाता है, और वही जीव को बंधन में डाला हुआ है, और इसीलिए मैं खूब पूजा पाठ में भटक रहा था उस ईश्वर को खुश करने के लिए, ये सब पांच चक्कर में बेहाल था। परंतु आपके कहानी समझाने से ये बात समझ में आई कि ये जो ईश्वर ब्रह्म देवी देवादि, तो ऐसे मन का जाल है, इन्हें भटकना नहीं है। लेकिन गुरुदेव आपने अभी एक नई बात बता दी, तत्त्वमसि, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। आखिर तत्त्वमसि क्या चीज है जिसके चक्कर में जी भूला हुआ है? अब फिर यहां से फिर निर्णय सार का खास जो प्रकरण है वो शुरू होता है। तत्त्वमसि का वर्णन करते हुए गुरु कहते हैं, चीज तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी लालसा है। वैसे मुझे बोलने की इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रेम है इसलिए कह रहा हूं। मुझे बोलने की इच्छा ना ही, तोरे प्रेम मत बोले हो भाई, ऐसे कुछ आता कवि न हो, नहीं भाड़ कहा हूं, बकवादिन के निकट न जाऊं। मैं ना तो कवि कहना न चाहता हूं, और ना मैं भाट हूं। मुझे बकवादी के निकट जाने की आवश्यकता नहीं होती, मुझे बोलना नहीं है, मैं उनके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा बस बोल रहा हूं। न तो मुझे गुरुवाई चाहिए, न मान बढ़ाई चाहिए, न रिद्धि सिद्धि चाहिए, क्योंकि सब तो एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं, इसी में सब जीव पड़े हैं। मैं तुम्हारी भक्ति के बस तुम्हें उत्तर देता हूं। देखो तत्त्वमसि मैंने जो कहा है उसमें तीन पद है, तत्, त्वम और असि। तत् ईश्वर पद,
त्वम जीवपद और असि दोनों की एकता ब्रह्मपद। समझ दो कि तत् ईश्वर को कहते हैं, त्वम जीव को और असि अनाति ब्रह्म को कहते हैं, जो जिसको आत्मा भी कहा जाता है, जो अनाति ब्रह्म है वो अचल है, आनंद स्वरूप है। या यथाधंधनी कह सकते हो तत् ज्ञान है, तो अज्ञान है और असि विज्ञान है। क्योंकि ज्ञान और ज्ञान दोनों की एकता, ईश्वर और जीव दोनों की एकता ब्रह्म विज्ञान पद है। सिद्ध करते हैं गुरुदेव, आप तो जो कह रहे हैं उसे बात और उलटी चली जा रही है। ये विषय बहुत जरा जटिल है, अब इसको समझा करके साफ साफ मुझे बताएं। गुरु कहते हैं कि जो अखिल ब्रह्मांड में निवास करता हुआ ब्रह्मांड अभिमानी चेतन है वह ईश्वर है। पिंड में निवास करने वाला पिंड अभिमानी जीव है, पिंड अभिमानी जीव चेतन है वह जीव है। और दोनों का वाचांत हटा दो, दोनों का वाचांत हटा देने छोड़ देने पर समान चेतन वह ब्रह्म है, उसमें द्वैत अद्वैत का कोई बंधन नहीं है। पहले भी हम कह आए हैं अद्वैत ब्रह्माद में जीव और माया केवल ब्रह्म के कारण है, जीव और ईश्वर केवल माया के कारण है। इसलिए स्वामी शंकराचार्य मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, और वैष्णव आलोचना उन्होंने इसीलिए की है कि वैष्णव लोग ईश्वर को संसार का निमित्त कारण मानते हैं। जबकि संसार का अभिन्न उपादान कारण ब्रह्म है, ईश्वर तो माया है, एक अखंड ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। तो जहां तक माया का पसारा है, उस माया का अधिष्ठाता है ब्रह्म का, जितना ब्रह्म का जितना अंश माया से आवृत है उसका अधिष्ठाता है वह ईश्वर है। और ब्रह्म का जितना अंश अविद्या से आच्छादित है उसका जो अधिष्ठाता है वो जीव है। अविद्या और माया दोनों को हटा दो तो ईश्वर भी खत्म, जीव भी खत्म, केवल एक अद्वैत ब्रह्म। जैसे घटाकाश, मठाकाश और महदाकाश, आकाश तो है सर्वत्र, एक घड़ा है, घड़े के भीतर में जो शून्य जगह है, खाली जगह, वो घटाकाश है घड़े के भीतर का। ये मठ है, हम बने, हम बैठे हैं इस मकान में, चारों तरफ से दीवार है, इस दीवार के भीतर का जो आकाश है जहां हम बैठे हैं वो मठाकार। हम कहां बैठे हैं? हम कहते हैं मकान में बैठे, मकान में थोड़े हुए बैठे हैं, आप दीवार में घुस कर बैठे हो क्या? खाली जगह में बैठे हैं, आकाश में बैठे हैं। तो इस मकान के भीतर का जो आकाश है, खाली जगह, वो मठाकार। घड़ा को तोड़ दो, मकान की दीवारों घटा दो, तो घटाकाश खत्म, मठाकाश खत्म, एक महदाकाश, वो बस वही ब्रह्म। घड़े के भीतर का जो आकाश है समझ लो वो जीव है, इस मठ के भीतर का जो आकाश है वो ईश्वर है। दोनों घटा दो तो एक महदाकाश ब्रह्म। इसमें द्वैत अद्वैत का कोई बंधन नहीं रहा, एक बस अखंड तत्व। या गुरु कहते हैं बेटा ऐसा भी समझ लो
ज्ञानी को तत्, अज्ञानी को तम, अविज्ञानी जो परम अंतर्वच है उसको असी कर सकते हो। जैसे तत् जैसे समुद्र, तुम जैसे कुआं तालाब, और असी समुद्र पानी, कुआं तालाब में पानी है, नाम समुद्र नाम हटा दो, कुआं नाम हटा दो, तालाब नाम हटा दो, केवल पानी। इस प्रकार दोनों की एकता, इसमें भी दो प्रकार है, एक परोक्ष और एक अपरोक्ष। जो परोक्ष है वो विशेष कहलाता है, अपरोक्ष वो सामान्य कहलाता है। ज्ञान अज्ञान अविज्ञान तीनों में परोक्ष अपरोक्ष एवं विशेष और सामान्य होते हैं। जो निरुपाधि है उपाधि रहित वह अपरोक्ष, उपाधि संयुक्त है वह परोक्ष है। शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने कहा कि ज्ञान अज्ञान और विज्ञान इन तीनों के दो दो भेद हैं, परोक्ष और अपरोक्ष, तो आप इनके भेद मुझे बताएं। और तीनों में जो ज्ञान अज्ञान विज्ञान है इसमें सबसे पहले मुझे अज्ञान का स्वरूप बताएं कि अज्ञान किसे कहते हैं। तो शुरुआत में अप्रोक्ष अज्ञान, अज्ञान के दो भेद है, अप्रोक्ष जिसे विशेष अज्ञान कहते हैं, नहीं अप्रोक्ष समान अज्ञान, अपरोक्ष विशेष अज्ञान। तो पहले अप्रोक्ष अज्ञान का वर्णन है। विशेष अज्ञान अप्रोक्ष अज्ञान कहलाता है, वह इस प्रकार है, विषयों में आसक्त रहना, ऊंच नीच कुछ ना मानना, वेद मर्यादा पंडितों की मर्यादा न मानना, कुल गोत्र की परवाह छोड़ करके विषय वासनाओं में डूबे रहना, मांस जिसका मांस खाना हो उसका मांस खाना, शराब पीना, पर स्त्री से गमन करना, श्रृंगार रस के गीत गाना, विषय गमन करना, इसमें ही द्रव्य उड़ाना, वाम मार्ग का आचरण करना, ज्ञानी से झगड़ा करना, साथ को झूठ से झूठ को साझ करना। इतना नहीं ये कहना, अरे ये जो ज्ञानी कहलाने वाले हैं साधु महात्मा, इन लोग बुद्धि मारी गई है, ये साधु महात्मा कहलाते थे, अपने को मानते थे अपने बड़े ज्ञानी, लेकिन ये साधु महात्मा बड़े महामूढ़ है। देखो संसार में रुपया पैसा इकट्ठा करना और छक करके इन भोगों को भोगना, इससे बड़ा बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं है। जीवन का लाभ है खूब पैसा इकट्ठा करो, खूब भोगों को भोगो। पुरुष के लिए स्त्री सब सुख की खान है, स्त्री के लिए पुरुष सब सुख की खान, इतना अलावा और सुख का कोई और रास्ता नहीं है। ऐसे घर द्वार रुपया पैसा स्त्री को छोड़ करके जो छोड़ करके जो ब्रह्मज्ञानी साधु बने बैठे हैं, ये लोग बुद्धि मारी गई है। और दुनिया के लोग भी साधु संगत में जाकर पागल बन जाते हैं, दान दक्षिणा करने लग जाते हैं, ये साधु कर्महीन दरिद्र आलसी दुनिया का बोझा। हम लोग जो नाना विषयों को भोग रहे हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं, इसलिए हम ही ज्ञानी हैं, ये साधु लोग अज्ञानी हैं। मरने पर तो सबको मुक्ति होनी है, मरे बाद मुक्त हो ही जाए, मरे पर सबको मुक्ति होनी है। जब मरे पर सबको मुक्ति हो ही जानी है तो उसके लिए अभी से बिना मतलब शरीर को कष्ट देने के त्याग समय करने की क्या जरूरत है। ये भाई समझ लो, जो कुछ है ये शरीर है, इसलिए शरीर को खूब खिलाओ पिलाओ, स्वस्थ बनाओ, शरीर की खूब सेवा करो, और इंद्रियों द्वारा भोगों को खूब भोगो। ये विचार करें चक्कर में मत पड़ो कि क्या सही क्या गलत, मरने के बाद कौन फिर शरीर धारण करके आता है कोई देखा है क्या। इसलिए कुछ नहीं करना, पुनर्जन्म मिथ्या, जीव ब्रह्म मिथ्या, स्वर्ग नरक मिथ्या, कर्म फल भोग मिथ्या, पांच तत्वों से शरीर बना है, अंत में इन्हें पांच तत्वों में मिल जाएगा। जैसे पतझड़ में
या अन्य ऋतुओं में भी वृक्ष से पत्ते झड़ करके गिरते हैं, तो गिरे हुए पत्ते पुनः दोबारा वृक्ष में लग नहीं सकते। ऐसे ही शरीर बन गया, एक बार मिट गया, मर गया, सदैव के लिए खत्म, बस मृत्यु हुई, सब कुछ खत्म। पांच तत्व तो मूल है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए हमारा कहना मानो, ये बोध विचार ज्ञान ध्यान त्याग तप संयम सब भूल भुलैया समझो, ये साधुओं का कहना कोई मत मानो। और जो बड़े बूढ़े हैं ना, ये तो जाहिल मूर्ख हैं, इनकी सेवा चक्कर में भी मत पड़ना। ये सब कहना घोर अज्ञान भौतिकवाद कब पसारा है। संसारी लोग खाली मतलब जो देहाभिमान में डूबे हुए हैं, जिनके लिए देह और देह के भोग सब कुछ जीवन का परम प्राप्तव्य, वे अप्रोक्ष अज्ञान में डूबे हैं। शरीर को, शरीर के भोगों को जीवन लाभ परम लाभ मानना अप्रोक्ष अज्ञान का लक्षण। फिर पुराण साहब कहते हैं कि ऐसी धारणा में पड़ करके तमाम लोग बीतियों की धारा में बह रहे हैं, पच पच करके मर रहे हैं। यदि ऐसा अज्ञान दूसरे की इच्छा से हो तब उसको कहना चाहिए समानाधिकरण। जैसे कोई व्यक्ति सुशील है, सरल है, सज्जन है, समान से सदाचारी है, अपने ढंग से धर्म कर्म के मार्ग में लगा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया कि अरे तुम कहां चक्कर में पड़ गए हो, ये सब बेकार की बात है, खाओ पियो मौज करो, शरीर को तो कल्पाओ मत। अब धीरे धीरे संगत में पढ़ करके उसकी बुद्धि वैसी बन गई, तो ऐसी बुद्धि बन गई तब इसको समझना चाहिए समानाधिकरण। अधिकरण मतलब दूसरे के आधार से उत्पन्न बुद्धि अज्ञान। अब बचपन से ही अपनी ऐसी भावना हो, कुछ तो बचपन से ऐसी भावना वाले होते हैं, तो समझना चाहिए वो है विशेषाधिकरण। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन से, अर्जुन तू तम को अज्ञान से उत्पन्न समझ, तमस्तुम ज्ञानजम विद्धि। एक श्लोक आया है संस्कृत और गीता में, तमस्तुम ज्ञानजम विद्धि, तमह तु अज्ञानम विद्धि, तम को इस तमो गुण को तो अज्ञान से उत्पन्न समझ, जो देहधारियों को भ्रम में डालता है, उन्हें प्रमाद आलस और निद्रा में बांधता है। ये अप्रोक्ष अज्ञान। दूसरा है परोक्ष अज्ञान। परोक्ष अज्ञान में इसमें भी समानाधिकरण और विशेषाधिकरण है। ईश्वर, देवी, देव, तंत्र मंत्र, तीर्थ व्रत उपवास, नाना कर्म प्रायोग कर्म कांड, वेद शास्त्र को प्रमाण मानना, जाति पाति मानना, परंपरा का आंख मूंद करके अनुसरण करना, वेद पुराण की कथा सुनना, मनन करना, वर्णाश्रम के अनुसार से चलना, विधि निषेध मानना, कर्मकांड को कोई सच्चा मानना, गौ ब्राह्मण की पूजा करना, ये सब परोक्ष ज्ञान के लक्षण है। इनमें बहुत कुछ अच्छाई भी है, लेकिन उसमें पढ़ करके कुछ भी विचार ना करना, वेद शास्त्र में जो लिखा है वो सच, तीर्थ मूर्थ में जाने से नहाने से पाप करते हैं, स्वर्ग मिलता है, ये भावना, ये अप्रोक्ष, ये परोक्ष अज्ञान है, ये भटकाव है। कर्म में भी दो प्रकार है, एक परोक्ष और एक अपरोक्ष, एक समान और एक विशेष। योग ध्यान समाधि करना, रिद्धि सिद्धि और चमत्कार चक्कर में रहना, धन दौलत के लिए मंत्र तंत्र की साधना करना, दूसरों को पुत्र धन का प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाना, मंत्र लिखना, पूजा करते करवाते रहना, देवी देवता का आराधना करते रहना, श्राप देना, वर देना के साधना करना,
नियम पूर्वक कायकल्प करना, संसार में बहुत मान बढ़ाई चाहना, स्वर्ग आदि की इच्छा करना, उग्र तपस्या करना, गंगा स्नान करना, ये सब विशेष कर्म के लक्षण है। और दूसरी तरफ ईश्वर की पूजा, मुक्ति की वासना, दुष्कर्म त्याग कर सुकर्म करना, मोक्ष के लिए तड़पना, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, संयम साधन आदि सामान्य कर्म है। कर्म तो करना है, लेकिन धर्म के नाम पर भी कुछ ऐसे कर्म किए जा रहे हैं जिसके मूल में लौकिक चाहना है कि हमारे बहुत से चेले बन जाए, हमारा बहुत से आश्रम बन जाए, हमारे पर बहुत से पैसे बह जाए, इसके लिए लोगों को भ्रम में डालना, हमसे दीक्षा लो, हमसे मंत्र साधना ले लो, ये तंत्र मंत्र करो, ये मंत्र लिखो, वो समान। और इस सबको छोड़ दे, हमें न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, न मठ चाहिए, न चेला चाहिए, न हमें प्रसिद्धि चाहिए, हम तो केवल भगवान को चाहते हैं, हमें केवल स्वर्ग चाहिए, हमें केवल मुक्ति चाहिए। इसके लिए ईश्वर की पूजा करना और त्याग तप साधना से चलना, ये सब सामान्य करना, क्योंकि इसकी मूल में भी कुछ पाने की वासना है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें भी श्री पुराण साहब ने यहां पर गीता को उदाहरण दिया है और कहा है, रजो रागात्मकम विधि तीर्थना समुद्भवम। अर्जुन तो ये जान कि रजोगुण रागात्मकम विधि राग उत्पन्न होने वाला है, और तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा और आसक्ति की बेड़ी में बांधने वाला है रजोगुण, इसलिए इसमें मत पड़ना। सतोगुण को कहा गया प्रकाशकम अनामयम, सतोगुण प्रकाशक है, अनामय निरोग है, निर्मल है, और ये कैसे बांधता है, ज्ञान की आसक्ति में बांधता है। सतोगुण जीव को ज्ञान का आसक्ति में, तमोगुण आलस मूर्ता प्रमाद हिंसादि कर्मों में जीव को बांधता है, रमोगुण रजोगुण तृष्णा और आसक्ति में बांधता है, और सतोगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति में बांध देता है जीव को, इसलिए ये सब अज्ञान जनित है। सिद्ध कहता गुरुदेव, आपने अज्ञान का परिचय दिया, आप धन्य हैं, आपने अज्ञान के विधिवत स्वरूप बताया, परंतु ये बताइए कि ज्ञान और अज्ञान, जीव और अज्ञान, ये दोनों दो हैं या अलग अलग हैं? तो सदगुरु कहते हैं, बेटा जीव और अज्ञान एक कैसे होगा? यदि जीव और ज्ञान दोनों एक होते तो अज्ञान जीव के लिए दुख का कारण कैसे बनता? जैसे रोग और रोगी एक नहीं है, रोग तो जीव रोगी के लिए दुख का कारण है, यदि रोगी और रोग एक हो जाते तो रोग रोगी का विरोधी नहीं होता, दुख का कारण नहीं बनता। इसी प्रकार अज्ञान और जीव यदि एक होते तो अज्ञान जीव के लिए दुख का कारण नहीं बनता, और अज्ञान में पड़ करके जीव को रोना ना पड़ता, क्योंकि अपना स्वरूप विरोधी नहीं होता है। इसलिए समझो जीव और अज्ञान दोनों अलग अलग हैं। तो जीव और अज्ञान अलग अलग है, अज्ञान में पड़ करके जीव दुखी हो रहा है, तो फिर यह अज्ञान का निवारण कैसे होगा, अज्ञान को हम छोड़े कैसे, अज्ञान का त्याग कैसे करें? तो शिष्य का प्रश्न गुरुदेव, अज्ञान का नष्ट कैसे होगा और ज्ञान कैसे मिले ये बताइए, और ज्ञान जो आप बताएंगे उस ज्ञान के कितने भेद हैं? फिर आज के आगे गुरु शिष्य को ज्ञान का भेद बताते, उसने भी ज्ञान में बताया गया
परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान समानाधिकरण अविशेषाधिकरण, इसकी चर्चा कल आएगी।